जो माताएं बहनी होती थी उनको ब्रह्मवादिनी कहते थे। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मवादिनी हुआ करते थे, अपाला, घोषा, गार्गी आदि आदि, और बहुत सारे ऐसे सन्यासिनी स्त्रियां भी हुआ करते थे, बहुत सारी योगिनियां हुआ करती थी हमारे यहाँ। उनके चरित्र के ऊपर भी हम लोग आने वाले एपिसोड में बहुत व्यापक चर्चा करेंगे कि कैसा उन लोगों का उज्जवल धवल चरित्र था, कैसा उनका महान जीवन था, कैसा योगनिष्ठ जीवन था, कैसे हमारे यहाँ के माताओं ने, नारियों ने बहुत ऊंचा जीवन जिया, योगिक जीवन जिया, और इस धरा पर वह कीर्तिमान स्थापित किया। उस धरा पर इस बात को स्थापित कर दिया कि पुरुष ही नहीं, स्त्री भी ब्रह्म को प्राप्त कर सकती है। पुरुष ही नहीं, स्त्री भी वेद के अध्ययन अध्यापन के अधिकारिणी है। पुरुष ही नहीं, स्त्री भी जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। बहुत सारे महाभारत से लेकर के बहुत सारे ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है। उनके ऊपर हम लोग कभी चर्चा करेंगे।